धूप में बैठ के आराम से हम खाएंगे चीकू। सर यहाँ भी एक मंदिर है, देखते हैं हमारे। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, टफीफ भी हमारे साथ चल रहा है। अभी अम्मा अबू की वहाँ पे मंदिर है तो वहाँ जा रहे हैं अभी, जाने से पहले, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है। और आज हम थोड़ा जाने से पहले अम्मा अबू के पास छू के आते हैं, उनकी मंदिर की पूजा करके आते हैं। हमने आज हलवा बना रखा है तो वो चला के आते हैं। अरे यार बाजा ना है क्या? रवि लोटे पानी लेके आइए, पानी वहां से, गेट बंद है वहां से, लोटे पानी लेके आइए उनसे। अरे वहां से है ना, वहीं से पीछे से जा। आ रवि, रवि आजा, चल आजा। तो वैसे ऊपर से ऐसा दिख रहा है अभी घर, तो ये एरिया भी जो आप देख रहे हो, ये लेवल, इस लेवल का ये पर छत आएगी, इसके ऊपर छत आएगी जिसमें गाड़ी पूरी हो जाएगी। गाड़ी के पास खड़ा रहता है ये हमेशा। आजा चले, आजा यहाँ पे आजा। तो गाइस यहाँ से कुछ ही दूरी पे आप देख रहे हो कि मम्मी जा रही है, हो रही, तो मम्मी कहाँ है, कैसे भाग रहा है टफी? हाँ खुले पैसे तो आधा काम करके क्यों गए यार? अभी कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से, अभी यहाँ सारे काम हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ रोड आ गई अब तो फिलहाल, तो यहाँ से हमारा पूरा पार्किंग का अंदर पूरी गाड़ी वहाँ तक जाएगी, देख रहे हो। तो गाइस ऐसा घर आपको कहीं दिख जाए ना, ना मिल जाए ना, इतना सुंदर लग रहा है वहाँ से, पूरा इतना सुंदर होता है ना ऊपर। अब इसके ऊपर एक फ्लोर आएगा तो सोचो कितना अच्छा व्यू दिखाई देगा, पूरा एरिया 360 डिग्री का व्यू। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं फिलहाल पूजा में, पूजा वूजा होगी, मम्मी और मैं, मेरा भाई टफी आ रहे, आ रहे। मम्मी वहां बैठी है, देखो बोरी मम्मी और टफी दोनों ऊपर नीचे। अभी हम जाते हैं, अभी वहां पे रवि अभी आएगा। रवि वैसे यहाँ से कुछ ही दूरी पे मतलब बनाया हुआ है अम्मा बुप्पू है उनका वहाँ मंदिर। आपको उसकी हिस्ट्री नहीं पता होगी, जो मेरे बुब्बू थे वो पता है जापान से, यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं अभी, जहाँ हमारा घर बन रहा है, वहाँ पैदल आए थे, 3 महीने लगे थे उनको आने में। ये स्टोरी मुझे नहीं है, पापा ने मुझे बताई, और उन्होंने बोला जब भी कभी आओगे ना कि बच्चे बड़े होंगे, पापा को ये बात भूली थी कि यहाँ पर आना, घर अच्छा बनाना, और पापा जो वही सपना पूरा कर रहे हैं, तो इसीलिए आज हम मंदिर में आए हैं। तो यहीं से कुछ दूरी पे अभी यहाँ मंदिर ही बनाएंगे, बाद में अच्छा सा मंदिर बनाएंगे। तभी आ जा, इसको यही तो जगह चाहिए थी। वैसे ये है मंदिर अम्मा बब्बू का, यहाँ पे हमने इतना यहाँ देख रहे हो पत्थर वगैरह, इतने पत्थर रखे हुए हैं यहाँ पे, हम खाना बनाते थे यहाँ पे, पूजा होती है तो सब लोग यहीं बैठते हैं। हम वहाँ से आते थे पहले, ये पहाड़ काट दिए फिलहाल, अभी हम वहाँ से आते थे ऐसे करके वहाँ नीचे आते थे। ये हमारा बहुत एक्सपीरियंस है जो लोग यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे आइएगा ज़रूर, और देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से पूरे पहाड़। तो कैसे हम ये पूजा कर रही है अभी मेरे उत्तराखंड।
अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। एक इस साइड से यहाँ से पीछे भी एक और है, दो यहाँ एक वहाँ पे। पहाड़ों में ऐसे ही मंदिर बनाए जाते हैं जैसे जिनके घर वाले या किसी के कोई गुजर जाता है, हाँ कोई गुजर जाता है तो ऐसे ही मंदिर बनाए जाते हैं पत्थर के, उनके नाम के मंदिर। और वहाँ पे जब भी कोई आता है घर वहाँ पूजा करते हैं। आज के टाइम में लोग करते हैं नहीं करते हैं पता नहीं, बट हमारे यहाँ हमारे उत्तराखंड में यहाँ होता है। हम जब भी घर आते हैं तो यहाँ पे मम्मी और पापा का भी आते हैं तो हम यहाँ पे ज़रूर आते हैं, यहाँ दिया जलाते हैं और शांति मिलती है। क्योंकि उनसे कहना है जब भी कोई अच्छा काम होता है ना तो हमारे पास आना, हमारा आशीर्वाद ज़रूर लेना। तो इसलिए आज हम यहाँ पे आए हैं, हमारा घर बन रहा है करके, तो इसलिए आज हम यहाँ पे पूजा करने आए हैं। आज हमारे यहाँ टफी भी काफ़ी टाइम बाद आया, टफी यहाँ घास खाने आया फिर से। मेरे उत्तराखंड में हाँ बागेश्वर तो नहीं, नहीं बागेश्वर नहीं जाएंगे हम लोग, सीधा अल्मोड़ा जाएंगे। मतलब बागेश्वर हम लोग कट कर लेंगे रास्ते से, हम लोग बाईपास में चले जाएंगे, बागेश्वर ही जाएंगे हाँ, बाईपास से जाएंगे अल्मोड़ा जाएंगे। इतनी शांति मिल रही है यहाँ पे, कल शादी है हाँ, अल्लाह बुल्ला होता है, इतनी शांति है भाटी करके तो उसकी उसकी वो कुछ टाइम के लिए ना शांति चाहिए होती है इंसान को लाइफ में। हर टाइम अल्लाह बुल्ला नहीं पसंद, कुछ टाइम पर इंसान को ना माइंड रिलैक्स के लिए जगह चाहिए, वो ये है ये जगह। पटना गए थे उसने हाउस होम में बुलाया, तफरी कहाँ चल रहा है हमारे आजा सर। यहाँ भी एक मंदिर है, देवता हमारे यहाँ नहीं करना, नो मंदिर है ये। तो यहाँ पूजा हो रही है अभी, और ये जगह वो है जहाँ पे प्रियंका आई थी हमारे साथ, आज वो नहीं आया बट मम्मी और मैं, और उसके नाम पे भी हम मांग रहे थे दुआ। यहाँ पे आए थे ना नहीं प्रियंका में, तो जो ये एरिया है यहाँ पे, यहाँ मजदूर रहते सारे, ये ताई का है एक्चुअली, यहाँ पहले गाय भैंस थी तो अभी जगह खाली करके तो यहाँ पे उनके पास नहीं है, तो चक्कर में यहाँ पे हमने कर दिया है यहाँ पे रहने के लिए। उनका खाना पीना अपना खुद खाते हैं और वहाँ पे नीचे हमारा है। मैं ये जो माल्टा होता है यहाँ का पहाड़ी है वो मैं छिल रहा हूँ, फिर ये बहुत टेस्टी होता है, अभी मैं सारे छिल रहा हूँ, अभी इतने बड़े दाने हैं जब छिल रहा हूँ मैं, अभी छिल के फिर बनाएंगे हम चूक। तो ये बहुत टेस्टी होता है, मूली के साथ भांग और ये सब डाल के बनाते हैं यहाँ पे, ये पहाड़ी का स्टाइल है बनाने का तरीका यहाँ का। तो अब इसको बनाएंगे हम, देखते हैं कैसा बनता है। तभी ये देख चूक ये रहा, ये इसे भागता बहुत है, नींबू नींबू से भागता बहुत दूर है। चलो गाइस छिलते हैं इसको, देखते हैं। Thank you.
मैं खाना नहीं खाऊंगा मैं यहाँ तो मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल क्योंकि मैं यहाँ से ड्राइव करते हुए खाना नहीं खाता ना। नहीं नहीं क्या वो भी तो खाना खा के रहेगा। अरे नहीं है यार ड्राइव करते हुए खाना नहीं। हलवा की नहीं हलवा हलवा खराब ठंडा खराब हो जाता है गरम गरम खाने में से लगता है। ड्राइविंग करते हुए खाया नहीं जाता बिल्कुल कुछ भी। मैं चाय पीता हूँ बस करता हूँ थोड़ी देर में। मधुमक्खी का आ गया गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। Devi Dali dali phoolon ki tujhko guys abhi mummy yahan pe iska namak pees rahi hai aur yahan pe maine sara chhil diya hai sara chook iska namak peesne mein bahut time lagta hai namak phir dalenge isme dahi chini hai na mummy। तो भाई इसको बनाने में मेहनत बहुत लगती है और ऐसा नहीं बनता ये इसको काटना ये उस टाइम खाने वाला ठहरा ये नहीं है कि बना के इसको हम लेके जा रहे हैं कहीं खा लें ऐसा नहीं है। इसको उस टाइम काट के उस टाइम खाना पड़ता है वरना खट्टा बहुत हो जाएगा ऊपर से तीता हो जाएगा तीता तीता था कड़वा कड़वा बहुत हो जाएगा तो इसलिए इसको उस टाइम खाना पड़ता है। तब यहाँ सो रखा है अभी अभी रेडी होगा कंफर्टेबल बात खा रहे ना मिया 10 साल तो हो गए होंगे मैं कहा था उससे नहीं यहाँ कहा खाया था। अच्छा वैसे ये देखते हैं अभी टाइम तो लगेगा अब दिखाएंगे अभी बना के कितना टाइम लग रहा है इसको बनाने में। फाइनली नींबू रेडी हैं तैयार हैं ये देखो गाइस पूरे नींबू रेडी देखो गाइस पूरे नींबू रेडी है और अभी रेडी तैयार है। धूप में लेके नहीं जाते क्योंकि धूप में ख़राब हो जाएंगे खट्टे हो जाएंगे काफ़ी वो कड़वे कड़वे हो जाएंगे इसलिए यहाँ रखे हुए हैं अभी। तो फिलहाल चीनी भी डाल दी है इसमें सब रेडी है। ये तो भाई सब्जी है अभी ये नहीं है बस ये है तो इतने मस्त लग रहेगा इस देखो अभी खाएँगे इसको। टाइम बहुत लगता है इसको बनाने में और इतना ईजी नहीं है मैंने थोड़ा नींबू काटे तो छिक्कल छिलने पड़ते हैं नींबू काटना पड़ता है भांग पीसना पड़ता है फिर चीनी फिर दही तो आके बनता है तो उसमें ऑलमोस्ट आधा घंटा लगता ही है आधा घंटे के आसपास। तो देखते हैं अभी धूप में बैठ के आराम से हम खाएंगे चीकू। अभी बन गया ये रेडी सो खाएंगे अभी मसाला भांग भांग सब कैसे पकड़ू मैं सामान है दो हाथ में ये इससे पकड़ू वैसे तो अभी साथ में रेडी हो गया हम खाएंगे टेस्ट करके बताएंगे कैसा हो रहा है। हम्म
डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तर। मजा आ गया सहवा, जो सर्दियों में खाए जाते हैं पहाड़ियों में ना। मजा आया।